मैं तो तेरे को उंगली दे रही थी यार, तो पूरा हाथ ले ले अंदर। नहीं नहीं चलो चलते हैं। अच्छा सुन, हे गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपको और भी अच्छा करने लेके ये फिर रिट्स एक बहुत ही प्यारी वीडियो, बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो गाइस आज की जो वीडियो में है ना यार, गेटअप से तो आप समझ ही गए होंगे बहुत मेहनत लगी है वीडियो में। मैं प्रैंक करने वाली हूँ अपने दोस्त पे हिमांशु पे, तो यार वीडियो के रिएक्शन बहुत ही धांसू आने वाले हैं, आपको पूरा एंड तक देखना पड़ेगा यार, तभी स्टोरी का पता चलेगा। तो वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, रिएक्शन जो उसके होने वाले हैं ना वो बड़े अनएक्सपेक्टेड होने वाले हैं। तो मैंने उसे आज मिलने के लिए बुलाया, एक बार पूछ लेती हूँ यार फ़ोन करके बंदा कहाँ पहुँचा है कहाँ नहीं। यार ये बंदा हमेशा मेरे को बहुत ज़्यादा वेट कराता है, सीरियसली बहुत गुस्सा आता है। चलो एक बार फ़ोन लगाया जाए नलायक को, कहाँ पहुँचा है कहाँ नहीं पहुँचा, देखते हैं क्या होता है। हेलो, कहाँ पहुँचे? अब जल्दी आ जाए, ऐसे मत किया अगर मैं परेशान हो जाती हूँ। 5 मिनट, 5 मिनट, ठीक है जल्दी आ। ओके ओके यार, बंदा मेट्रो में, बंदा आने वाला है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा, सेल्फी लेते हैं एक दो। और प्लीज़ यार कमेंट्स करके बता देना मैं कैसी लग रही हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो इतना, मैं तो देख रहे हो मेहनत बिंदी पता नहीं क्या क्या लगा रखा है। तो यार सपोर्ट किया करो, जल्दी से 1 मिलियन का टारगेट पूरा कराओ, बाकी वेट करते हैं बंदे का, बंदा आ रहा है। सो गाइस आजकल हर कोई चाहता है एक स्टेबल इनकम हो जाए और उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। सो मेरे पास एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिससे मैं भी फॉलो कर रही हूँ। सो आजकल के इस दौर में स्पोर्ट्स पर बैटिंग करने का तरीका सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली IPL टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले उन पर बैठ करके लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। सो मैं भी इससे थोड़ा बहुत अर्न कर रही हूँ। सो मेरा एक दोस्त है जिसका चैनल है स्मार्ट बैटिंग के नाम से, जहाँ पर बैटिंग से रिलेटेड ही बात होती है, जिसका नाम है स्मार्ट बैटिंग। जो इस चैनल का ओनर है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है यार, इससे पहले वो अपना टाइम वेस्ट करता था जॉब्स में और बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, लेकिन इतनी अच्छी अर्निंग हो नहीं पाती थी। सो उसने एक चैनल बनाने का डिसीजन लिया, वो सब कुछ जानता है कि गेम कैसे फिक्स होती है और उसको क्रिकेट की बहुत अच्छी खासी नॉलेज भी है। सो अब वो दुबई में चिल कर रहा है यार और वहीं पर काम कर रहा है, वो भी एक फ़ोन से। मैंने देखा इंडिया में इस खेल में सबसे मज़ा हुआ खिलाड़ी है और 10,000 से ज़्यादा लोग उसके साथ जुड़कर बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। सो आप लोग भी अर्न कर सकते हो और इसमें मज़ा भी आ रहा है, काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे गए, आप चेकआउट कर सकते हो उनके चैनल को। और एक और बात, इस कंपनी में आप अपने अकाउंट में बैलेंस फिल कर सकते हो और जीते हुए पैसे को पेटीएम के थ्रू विड्रॉल भी कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा सिंपल, ईजी और कन्वीनियंट है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर आप उनको उनके चैनल को चेकआउट कर सकते हो और बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अरे कॉल आ चुके बंदे का, तो फोन उठाया जाए। हेलो हेलो, कहाँ है? मैं इधर गेट नंबर 105 में, इधर आ गया। ये देख, ये देख मेरा हाथ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कैमरा हाइड कर लेना यार, बंदा आ चुका है। ओहो क्या है सर। हेलो, ये क्या है? शादी कर ली यार। कब? बस 2-3 दिन पहले। बताया भी नहीं मतलब। अच्छा बैठ के बात तो कर, बैठ के बात करेंगे ना। मतलब ये कब हो गया? ये बस हो गया यार, अच्छी चीज़ें होने में टाइम नहीं लगाना चाहिए। बताना तो चाहिए था यार, ये एकदम से कैसे, मतलब कुछ तो प्लान किया होगा एकदम। कुछ प्लान नहीं किया, घर वालों ने धक्के से एक मोटू के गले में फेंक दिया मेरे को। तो यार बताना चाहिए था ना पहले। यार मुझे पता था को बुरा लगा होगा, तेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि हाँ शादी में आएगा, नाचेगा, थोड़ा खाना वाना खा के जाएगा, बर्बादी करेगा मेरी। यार वो बात नहीं है ना, पता है यार क्या सीन हुआ, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ है कि घर वालों ने बोला कि कर ले कर ले कर ले, परेशान कर रखा था, मैंने बोला चल कर लेती हूँ यार, लेकिन अब शादी करके ना मैं क्या बताऊँ तुझे क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी के ना, एल लग गया पता है तुझे। क्यों, क्या हो गया ऐसा? अबे ऐसा चूतिया एक सा बंदा मिला मुझको, साला सारा दिन उसके काम करते रहो, घर के कच्छे धो, ये करो वो करो, कपड़े धो, जिंदगी की मतलब लंका लगा दिया मेरी, ये लगा ले तू। इतना परेशान हो ना मैं उस बंदे से कि अब पता कैसे आई हूँ मैं, अभी पूछ रहा था कहाँ जा रही हूँ। वो बड़ा होते हैं ना कि साइको टाइप होते हैं लोग, बड़ा वो इनसिक्योर है मेरे को लेके कि मेरे को छोड़ के कहीं और ना चली जाए। लेकिन मैं तेरे को एक बात बता दूँ, मैं ना डिवोर्स ले रही हूँ यार। अभी तो शादी की और अभी डिवोर्स, मतलब बताया भी नहीं और डिवोर्स भी ले रही हो यार। तेरे को पता है यार अगर बंदा ही अच्छा नहीं है तो उसके साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। अब मम्मी पापा ने धक्के से कर दिया, मेरी मन मर्जी थोड़ा थी वो, अब उनकी थी तो मैंने उसकी उनकी खुशी के लिए कर ली, लेकिन अब देख रही हूँ मैं उनकी खुशी में ना मैनेज कर नहीं पा रही हूँ, मैं उस बंदे को झेल ही नहीं पा रही हूँ यार। यार पूरा पूरा दिन उस बंदे को प्यार चाहिए होता है, समझ रहा बात को, पूरी पूरी रात उसको प्यार चाहिए होता है यार। एक वक्त पे लड़की पक भी जाती है ना, इरिटेट होने लगती है। अब नई शादी हुई है इसका मतलब ये थोड़ा कि कुछ भी सारा सारा दिन, समझ रहा ना तो मेरी बातों को, मेरी फीलिंग्स को समझ यार।
उससे मैं इतना परेशान हो गई हूँ, दुखी हो गई हूँ कि चार दिन में मैं साला यहाँ पे अब कैसे टाइम निकाल के झूठ बोल के उसको आई हूँ, मैं पार्लर पे जा रही हूँ थोड़े अपने बाल ठीक कराने। तो यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कैसे आएगा, मैं थोड़ी दूसरी वाली पार्क में बुलाना है तेरे को, घर के पास नहीं है, थोड़ा घर दूसरी वाली पार्क दूसरी गली में। तो यार बताना चाहिए था ना पहले एक बार, मतलब कोई प्रॉब्लम कुछ भी, मतलब शेयर तो करते हैं एकदम से कर लिया अपने। पता है मुझे तेरे को बहुत बुरा लग रहा है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन क्या करूँ यार, मेरी ना मजबूरी थी यार, घर वाले ने उसका डंडा रखा था कि कर 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 लगा रखे जिंदगी के, मैंने कहा चल ठीक है तुम्हारी खुशी के लिए कर ही देती हूँ, अब कर लिया तो यार झेलना पड़ रहा है, वो झेला नहीं जा रहा है मुझसे, समझ रहा है ना क्या नहीं झेला जा रहा मुझसे, समझ रहा बस झेलना ही नहीं जा रहा। अब क्या यार, मैंने तेरे को अच्छा दोस्त मानती थी हमेशा से, मानती हूँ और मानती भी रहूँगी, तो मैंने कहा यार हिमांशु को बुलाती हूँ, थोड़ा एक होता है ना दुख तकलीफ में बंदा अपने दोस्त को याद करता है, तो मैंने तुझे अब बुलाया, मैंने कहा शेयर करूँ यार तेरे को, बताऊँ ये मेरे साथ दुर्घटनाएँ हो चुकी है। अब तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं, कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्या कर सकते यार, देख शादी हो गई मानती हूँ मैं, ठीक है खत्म भी तो कर सकते हैं ना रिश्ता, अब मेरे से झेला थोड़ा जा रहा है उसको, इतना मोटू पेटू सा यार, पता है तुझे कैसे लड़की के साथ शादी करी, मेरी जिंदगी झंड झाट करके रख दिया सीरियसली। तो यार वही है कि यार मैं ना काफी, मेरा ना तू शादी से पहले ना क्रश कहते हैं ना जिसे, मैं तुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी सच में। हाँ मुझे पहले बताना चाहिए था ना, शादी भी कर ली अब बता रही हो, तेरे मन में कभी ऐसा आया मुझे लेके? मैं तो फ्रेंड ही मानता था, पर यार तो अब तो मन मान फ्रेंड। अरे देख मैं मान रही हूँ कि अब शादी हो गई है, सब रिश्ता विश्ता ये सब हो चुका है, जिंदगी मेरी जिंदगी के लग चुके हैं, मैं मान रही हूँ सारी चीज़, लेकिन यार डिवोर्स लेके हम लोग एक हो सकते हैं ना, तू नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा? हाँ समझ गया मैं, पर घर वालों को भी समझाना पड़ेगा ना। तो घर वालों को हम लोग अभी शादी कर लेते हैं ना कोर्ट में, इस घर वालों को समझा देंगे क्या दिक्कत है, फिर वो सब चीज़ तो पूछेंगे पहले की पास क्या है क्या नहीं, सब कुछ तो पूछेंगे फैमिली वगैरह के बारे में। मैं उनको बोल दूंगी ना मेरी अभी शादी नहीं हुई है तो हम शादी कर लेते हैं ना यार, तू मेरी प्रॉब्लम को समझना, दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है, और मैं तुझे पसंद भी करती हूँ, तूने अभी अभी जस्ट बोला 10 मिनट पहले कि तू मुझे भी पसंद करता था, मतलब करता है यार, तो चल ना घर ले चलना मुझे। चलो तू रेडी है पक्का? तू इतनी जल्दी कैसे मान गया? अब घर वाले मान जाएंगे तो लाइक भी करता हूँ, घर वाले मान जाएंगे तो अच्छी बात है, तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं मेरे साथ रहने से। डिवोर्स तक डिवोर्स लेना पड़ेगा ना पहले तो। मैं ले लूँगी ना, तुम उसकी चिंता मत करना, तू सब मुझ पे छोड़ दे, तू तो मेरा हो जा, बस घर वालों को अरेंज करना पड़ेगा। और मैं तो तुझे एक जन्म नहीं यार सात जन्म चाहती हूँ, पहले बताना चाहिए था ये तो, पहले ही कर लेना। कोई बात नहीं यार, अब जो हो गया उस पर मिट्टी डालो, आगे की शुरुआत करते हैं ना ही। चलो चल चल रहा है तू सच में? सीरियसली? अच्छा सुन तो ले बात एक बार यार, मैं कहती थोड़ा टाइम रुक के चलते, अभी तो कोई नहीं है, थोड़ा टाइम रुक लेते हैं, कहीं तेरे मम्मी पापा तुझे मारे साथ में, मेरी भी लंका लग जाएगी ना इसलिए। नहीं बात कर लेंगे ना, समझा देंगे। अच्छा तू रेडी है? हाँ। अच्छा मैं तो तेरे को उंगली दे रही थी यार, तो पूरा हाथ ले लिया अंदर। नहीं चलो चलते। अच्छा सुन तो नहीं, रहने दे यार, नहीं चलते, थोड़ा टाइम रुक के चलते हैं, अभी बात करते हैं बैठ के। यार पूरी बात तो कर ली, सब कुछ समझा दिया, अब मतलब बचा ही क्या है अब। तेरी आँखें यार कितनी प्यारी है ना सच में। थैंक्स। अच्छी मैं लग कैसे रही वैसे? बस दुल्हन किसी और की तो क्या हूँ। नहीं सेक्सी एकदम। अब तेरी बन जाऊंगी ना। अच्छी बात है ना। चले चल रहे सच में? हाँ चलो। अच्छा चल कोई रुक के बात करेंगे, थोड़ा सबर रख के एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद चले गए घर पे, क्या दिक्कत है? नहीं यार चलते हैं, चलो चलो यार चलो। सुन तू अबे उठा के ले जाऊंगा ना फिर। उठा के क्या करेगा? उठा के ले जाऊंगा। अबे पागल है क्या तू, उठा के यार सब देख रहे हैं, मैं बता नहीं देखने तो, अब तो अरमान जगा दिए ना, मतलब शादी के और मतलब लाइक भी करता था। चलो यार वैसे क्या कर क्या रहा है तू, सब देख रहे हैं, मेरी बात सुन, हम थोड़ा टाइम रुक के बात करेंगे, मैं ना मजाक कर रही थी छोटा सा मजाक। अरे मतलब ये मजाक की मम्मी पापा से मिलने वाला, हम करेंगे थोड़ा टाइम रुक के करेंगे ना। घर तक ले जाऊंगा, चलो घर में उठा के लेके जाएगा सच में? कि सच कह रहा है तू? नहीं यार चले, नहीं नहीं नहीं, अब फीलिंग जो है ना, फीलिंग आ गई है शादी वाली, तो फीलिंग आ गई है शादी वाली, शादी वाली है दूसरी वाली फीलिंग, शादी वाली बता दे मार देंगे तुझे। नहीं नहीं नहीं, शादी वाली फीलिंग आई है। कुछ धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक यार तेरी बात सुन यार, मैं ना तेरे साथ ना एक छोटा सा मजाक कर रही थी। कौन सा मजाक यार? वो तेरे को पता ही है ना यूट्यूबर हूँ मैं यार, प्रैंक करती रहती हूँ। हाँ वो तो, पर मेरे साथ भी ये प्रैंक था। हाँ ये प्रैंक था, मैं मजाक कर रही थी यार, वो मैं गेटअप में आई थी ना, वो देख सामने, अब गुस्सा मत कर यार ऐसे, मत देख वो देख सामने कर यार, ये कोई मजाक होता है, मतलब मेरी फीलिंग हक कर लेते, कोई बात नहीं आ यार, मजाक करी थी पता, एक छोटा सा तेरे साथ, मैंने कहा हिमांशु रह गया जिसका कटा नहीं है, अभी हिमांशु का भी काट देती हूँ, दिल तोड़ दिया मतलब। कोई बात नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, चल फिर बना लेते हैं प्लान। चल 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 तो कर दे, जल्दी बोलते सब्सक्राइब कर दो रिट्स धवन को। हाय सब्सक्राइब टू रिट्स धवन। हाँ थैंक यू। चल रहा है फिर, चल फिर घूम के आते हैं, चल है ना।
तो गाइस कैसे लगी वीडियो आप लोगों को? आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जिसने यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे बड़ी बात चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो ज्यादा से ज्यादा। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, देख रहे हो ना यार इस गेटअप में कितना ज्यादा कितनी मेहनत लग रही है। तो यार जल्दी से 1 मिलियन का टारगेट पूरा करा दो और सपोर्ट करते रहो, ऐसे प्यार दो, ज्यादा से ज्यादा प्यार की जरूरत है। हम भी हंसते रहेंगे, आपको भी हंसाते रहेंगे, बाकी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेगी। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट करके बता देना आपकी रिट्स कैसी लग रही है। लव यू ऑल।